हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अब देखिए भाई, हम रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लॉक, घड़ी, जिसका एएलपी में भी क्वेश्चन पूछा गया है और रेलवे ग्रुप डी में भी दो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि घड़ी में क्वेश्चन कितनी प्रकार के बनते हैं। घड़ी में भी चार प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होगा, पहला क्वेश्चन होता है कोण निकालना। कोण निकालना। अब भाई आपसे ये बोल दिया गया कि घड़ी में 7:30 हो रखी हैं, तो घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए भाई, घड़ी में 7:30 बजेंगे तो मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी, 6 पे होगी, और घंटे वाली सुई कहाँ पे होगी, 7 और 8 के बीच में होगी। तो भाई एक बात ध्यान रखना, घड़ी में किसी भी समय के ऊपर हमेशा दो कोण बनते हैं, एक तो छोटा कोण और एक बड़ा कोण। छोटा कोण कौन सा होगा भाई, ये हो गया, और बड़ा कोण कौन सा हो गया, ये हो गया। ठीक है, जैसे हम कोई भी एक ये कोण निकाल लेंगे, उसके बाद में 360 में से में जो हमने कोण निकाला है वो माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो क्या होगा, बड़ा कोण होगा। जो हम करेंगे कोण निकालना अभी तो बिल्कुल बेसिक है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन बनता है भाई समय निकालना। सेकंड क्वेश्चन भाई पहले वाले क्वेश्चन के बिल्कुल अपोजिट होता है। कैसे होता है, अब पहले वाले क्वेश्चन में आपको दिया है एग्जैक्ट समय दे दिया, कोण पूछ रहा है, और सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एग्जैक्ट कोण देगा और आपसे समय पूछेगा। जैसे आपसे दे दिया कि भाई 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा। अब भाई घड़ी में किसी भी समय पर कितने कोण बनते थे अपने पास, दो कोण बनते थे, एक तो छोटा कोण और एक बड़ा कोण। और इसमें सेकंड क्वेश्चन में भाई समय निकालने वाले में अब कोई भी कोण जो है किसी भी घंटे में कितनी बार बनेगा, दो बार बनेगा। जैसे अब आपसे बोला है कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा, तो भाई 7 और 8 के बीच में बोला है तो जो घंटे वाली सुई है वो 7 और 8 के बीच में होगी। अब एक बार तो भाई इस घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई पीछे होगी तब 45 डिग्री का कोण बनेगा, और एक बार मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से आगे निकल जाएगी तो भी 45 डिग्री का कोण बनेगा। अब भाई किसी भी घंटे में कोई भी कोण कितनी बार बनता है, दो बार बनता है। एक बार तो घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई पीछे रहती है तब, और एक बार मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से आगे निकल जाती है तब। लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री ये दो कोण ऐसे हैं जो घंटे में कितनी बार बनते हैं, एक बार बनते हैं। बाकी जितने भी कोण हैं वो घंटे में कितनी बार बनेंगे, दो बार बनेंगे। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन बनता है भाई खराब घड़ी। खराब घड़ी में भी कैसे पूछेगा क्वेश्चन, जैसे आपसे ये बोल दिया कि कोई घड़ी है वो सोमवार सुबह 8:05 पीछे थी, अगर वह घड़ी बुधवार सुबह 8:07 आगे हो जाती तो उस घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन बनता है अपना दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। लास्ट क्वेश्चन ये बनता है, अब भाई जैसे घड़ी में दे दिया कि भाई आपको कि किसी घड़ी में वास्तविक समय 3 बजे हुए हैं तो उसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो कितना बजा हुआ होगा। ठीक है भाई, ये चार क्वेश्चन बनते हैं। अब ये क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी जो सुइयों की जो स्पीड है वो देखेंगे कि इसकी सुइयों की स्पीड क्या है।
अब भाई सबसे पहले ये बताइए कि सबसे बड़ी सुई किसकी होती है? सबसे बड़ी सुई होती है सेकंड की। सबसे बड़ी सुई सेकंड की होती है। अब सेकंड वाली जो सुई है ये कहां पे है भाई? पांच पे है या एक पे बोल सकते हो? तो दोबारा ये पांच पे आएगी तो इसका राउंड कंप्लीट हो जाएगा। राउंड कंप्लीट हुआ कितनी देर में? इसने राउंड कंप्लीट किया 60 सेकंड में, यानी कि एक मिनट में। एक मिनट में इसने अपना राउंड कंप्लीट किया और कितने डिग्री का कोण बनाया इसने? 360 डिग्री का कोण बनाया। अब भाई 360 डिग्री का कोण बनाया है, एक राउंड कंप्लीट हो गया, इसका सर्कल बन गया, और किसी भी सर्कल के अंदर कितने डिग्री का कोण होता है? 360 डिग्री का कोण होता है। अब भाई 60 सेकंड में इसने राउंड कंप्लीट किया और कितने डिग्री का कोण बनाया? 360 डिग्री का। एक सेकंड में कितने डिग्री का बना देगी भाई ये? 360/60 यानी कि 6 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सेकंड वाली सुई है वो एक सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती? तो आपका आंसर कितना होगा भाई? 6 डिग्री का। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि किसी घड़ी में तीन बजकर छब्बीस सेकंड हो रखी है, और यदि घड़ी में 3:50 हो जाए तो जो सेकंड वाली सुई है वो कितने डिग्री कोण चली? तो भाई अब यहां पे 26 सेकंड पे थी, 50 पे आ गई, तो कितने सेकंड चल के आई है? 24 सेकंड चल के आई है। अब देखिए भाई, एक सेकंड में ये 6 डिग्री चलती है तो 24 सेकंड में कितनी डिग्री चल जाएगी? तो क्या कर देंगे हम, 24 गुणा में 6 कितना हो गया? 6 चौके 24, 6 दुनी 12 और 2 14, 144 डिग्री। ठीक है भाई, तो जो सेकंड वाली सुई है वो कितने डिग्री कोण चली? 144 डिग्री। उसके बाद में आता है भाई मध्यम सुई। मध्यम सुई किसकी होती है भाई? मिनट की। अब मिनट वाली सुई 12 पे है तो दोबारा यहां पे 12 पे आएगी तो कितना समय लगेगा इसको? भाई ये मिनट वाली सुई यहां से चलना शुरू किया, 3 बजे हुए हैं, तो ये मिनट वाली सुई दोबारा यहां पे 12 आएगी तो कितना बजेगा? 4 बजेगा। मतलब इसका राउंड कितनी देर में कंप्लीट हुआ? 1 घंटे में। तो 1 घंटे में, 1 घंटे में या 60 मिनट में अपना राउंड कंप्लीट किया और कितने डिग्री का कोण बनाया? 360 डिग्री का। एक मिनट में कितने डिग्री का बना देगी भाई? 360/60 6 डिग्री का। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो मिनट वाली सुई है वो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती, तो कितने डिग्री हो जाएगा भाई? 6 डिग्री हो जाएगा। अब वही क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो किसी घड़ी में 4:11 हो रखी है और घड़ी में 4:25 हो जाए तो जो मिनट वाली सुई है वो कितने डिग्री चलेगी? अब देखिए भाई, 11 पे था, कितने पे आ गई? 25 पे आ गई। कितनी मिनट चल के आई है? 14 मिनट चल के आई है। अब एक मिनट में 6 डिग्री चलती है तो 14 मिनट में कितना डिग्री चलेगी? तो 14 की हम क्या कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 84 डिग्री। कितने डिग्री चली? 84 डिग्री। अब उसके बाद में आता भाई सबसे छोटी सुई। सबसे छोटी सुई, सबसे छोटी सुई किसकी होती है भाई? घंटे की। अब घंटे वाली सुई कहां पे है? 12 पे है, सॉरी 3 पे है, तो दोबारा यहां पे ये 3 पे आएगी तो इसका राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब राउंड कंप्लीट करने में इसने कितना समय लिया? 12 घंटे लिए, क्योंकि मान लो अब दिन के 3 बजे हुए हैं तो दोबारा ये 3 पे आएगी तो रात के 3 बजेंगे, यानी कि 12 घंटे में इसने अपना राउंड कंप्लीट किया और कितने डिग्री का कोण बनाया? 360 डिग्री का बनाया। और 1 घंटे में कितने डिग्री का बना देगी भाई? 360/12
30 डिग्री का कोण बढ़ा देगी। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो घंटे वाली सुई है वो एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, भाई 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो घंटे वाली सुई है वो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, अब भाई देखिए एक घंटे में ये 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो भाई एक घंटे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 मिनट लिख सकता हूँ। 60 मिनट में घंटे वाली सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो एक मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी, भाई 30 बटे 60 आधा डिग्री, ठीक है। अब जो घंटे वाली सुई है वो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री का कोण बनाती है। अब आपसे क्वेश्चन वही पूछ लिया जाए कि किसी घड़ी में 2 बजे हुए हैं और अगर 3:45 हो जाए तो जो घंटे वाली सुई है वो कितने डिग्री कोण चली। तो अब देखिए भाई क्या करेंगे हम, 2 से 3 एक घंटे में ये कितने डिग्री चलती है, 30 डिग्री। 30 डिग्री तो ये हो गया, उसके बाद में 45 मिनट और आगे हैं, 45 मिनट और आगे हैं। अब एक मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 45 का आधा 22.5 डिग्री, यानी कि 2 बजे से लेकर के 3:45 तक जो घंटे वाली सुई है वो कितने डिग्री कोण चली, 52.5 डिग्री चली, ठीक है। अब भाई ये तो होगी इनकी स्पीड की बात कि घड़ी की सुइयों की स्पीड क्या होती है। अब हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था अपना, कोण निकालना। अब भाई पहला क्वेश्चन करते हैं हम, कोण निकालना। आपसे ये पूछ लिया जाए कि घड़ी में 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी समय पे हमेशा 2 कोण बनते हैं, एक तो छोटा कोण और एक बड़ा कोण। अब जैसे 7:30 दिया हुआ, भाई ये हो गया 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। 7:30 का बोला है तो मिनट वाली सुई 6 पे होगी और घंटे वाली सुई कहाँ पे होगी, 7 और 8 के बीच में होगी। अब देखिए भाई किसी भी 2 नंबर के बीच में कितना स्पेस है, 1 स्पेस है। जैसे 12 और 1 के बीच में 1 स्पेस है, ये 1 और 2 के बीच में 1 स्पेस है। पूरा जो है ये पूरा जो सर्कल है अपना, पूरी जो घड़ी है ये कितने डिग्री की है, 360 डिग्री की। अब टोटल स्पेस कितने हैं अपने पास, 12 और 1 के बीच में 1 स्पेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 स्पेस हैं। तो भाई 12 से इसको हमने भाग दे दिया, कितने डिग्री आ गया, 30 डिग्री। मतलब जो 1 स्पेस जो अपना है वो कितने डिग्री का हो गया, 360/12 30 डिग्री का, ठीक है भाई। घड़ी में किसी भी 2 नंबरों के बीच में जो 1 स्पेस होता है वो कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। अब भाई ये बताओ ये 6 और 7 के बीच में कितने डिग्री है, 30 डिग्री। अब 7:30 बजे जो घंटे वाली सुई है वो बिल्कुल 7 और 8 के बीच में होगी, बिल्कुल बीच में होगी, तो भाई ये 30 डिग्री का, तो आधा ये कितने डिग्री का हो गया, 15 डिग्री का। मतलब ये टोटल कितना हुआ अपना, 45 डिग्री का हुआ, ठीक है। तो 7:30 बजे भाई घड़ी में छोटा कोण कितने डिग्री का आ गया, 45 डिग्री का, और बड़ा कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 7:30 बजे छोटा कोण हो गया 45 डिग्री का, और बड़ा कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 360 में से हम 45 माइनस कर देंगे तो कितने डिग्री का हो गया, 315 डिग्री का, ठीक है। अब ये तो हो गया, हमने बेसिक से कर लिया इसको घड़ी बना करके,
ये अपना 7:30 बजे बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाता है। हम सुइयों की पोजीशन भी कर सकते हैं इधर उधर, लेकिन जब हमारे से दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता कि 11:33 का बताओ क्या आंसर, वो कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो उस टाइम पे जो सुइयों की पोजीशन होती है उसमें करने में हमारे पास दिक्कत होती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने पास फॉर्मूला होता है कोण निकालने के लिए, और कोण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तीस एच माइनस 11/2 m, ये कोण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। जहां पे एच क्या होता है अपना, एच होता है हावर, एच घंटे, और m की जगह पे क्या लेंगे हम, मिनट। अब जैसे आपसे ये पूछा था कि घड़ी में 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो भाई एच की जगह पे हम रख देंगे घंटे और एम की जगह पे रख देंगे हम मिनट। 30 × 7 − 11/2 m 30 मिनट। सोल्व करेंगे भाई, 210 − कितना हो जाएगा, 11 की और 15 की गुणा करेंगे 165, यानी कि 45 डिग्री। तो 7:30 बजे छोटा कोण तो आ गया 45 डिग्री का, और बड़ा कोण जो है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 315 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है भाई, अब अपने पास ये फॉर्मूला जब सोल्व करते हैं हम, तो अपने पास कई बार क्या होता है कि इसको सोल्व करते हैं तो माइनस में वैल्यू आ जाती है, और माइनस में वैल्यू आने के बाद में हम उसको प्लस में कर देते हैं। क्यों कर देते हैं प्लस में, क्योंकि कोण कभी माइनस में नहीं होता है। एक्चुअल में ये फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 30 h डिफरेंस 11/2 m। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब ये होता है कि वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में रहती है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 10 और 20 का डिफरेंस कितना है, 10 का है, और 20 और 10 का डिफरेंस कितना है, 10 है। ठीक है, तो इन दोनों पोजीशन में वैल्यू क्या आई, अपनी पॉजिटिव आई है, चाहे भले ही आगे छोटा हो बाद में बड़ा हो, पहले बड़ा हो बाद में छोटा हो, तो ठीक है भाई। तो जब भी माइनस में हम अगर अपना कोण आ जाता है तो उसको हम क्या कर देंगे, प्लस में कर देंगे, क्योंकि कोण अभी कभी अपना माइनस में होता नहीं है। अब बात करते हैं कि 30 h आता कहां से है, 30 h कहां से आता है। अब भाई एक घंटे में अपनी जो घंटे वाली सुई थी वो कितने डिग्री का कोण बना रही थी, 30 डिग्री का कोण बना रही थी। एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बना रही थी, तो h की जगह पे हम घंटे ले लेंगे। जैसे यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो एक घंटे में 30 डिग्री का बनाती तो 7 घंटे में कितने डिग्री का बना देगी भाई, 210 डिग्री का। 11/2 कहां से आता है, 11/2 क्या होता है भाई, जहां पे अपनी जो मिनट की सुई है एक मिनट चली तो कितने डिग्री का कोण बनाया, 6 डिग्री का, और जो मिनट वाली सुई एक मिनट चली है तो साथ के साथ घंटे वाली सुई भी खिसकी है, खिसकी या नहीं खिसकी है। अब कोण हम घंटे और मिनट की सुई के बीच में निकाल रहे हैं, तो जो मिनट वाली सुई है वो एक मिनट में कितने डिग्री चलती है, 6 डिग्री, और जो घंटे वाली सुई है वो एक मिनट में कितना चलती है, 0.5 डिग्री। अब भाई मिनट वाली सुई एक मिनट चली तो उसके साथ साथ घंटे वाली सुई भी तो चली, यानी कि इन दोनों सुइयों के बीच में दूरी कितनी तय हुई, 6 डिग्री मिनट वाली सुई चली, 0.5 डिग्री घंटे वाली सुई चली, एलसीएम कितना आ गया अपने पास, 2। 12 − 1 कितना हो गया भाई, 11/2। तो भाई ये जो 11/2 होता है ये घंटे और मिनट की सुई की स्पीड का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब भाई आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि 11:37 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 11:37 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब भाई h की जगह पे हम क्या रखेंगे, घंटे, और m की जगह पे क्या रखेंगे, मिनट।
30 गुणा में 11 माइनस में 11 बटे 2 गुणा में 37 कितना हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो चाहे तो भाई इसको आप यहां पे काट लो या फिर लास्ट में काट लेना, कोई फर्क नहीं पड़ना। कितना हो जाएगा 333 माइनस 11 की हम 37 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, चार सौ सात बटे दो। अब एलसीएम कितना आ गया अपने पास, दो। कितना हो जाएगा ये 660 माइनस में 407, तो 660 में से हम माइनस चार करेंगे तो कितना बचेगा भाई, तीन पांच एक, 153 बटे दो। तो इसको सोल्व करो भाई कितना आ गया, दो सात 14, दो छके 12, 76.5 डिग्री। तो छोटा कोण कितने डिग्री का आ गया भाई अपने पास, 76.5 डिग्री का। और बड़ा कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, वो इसमें से हम घटा देंगे। जैसे 360 में से हमने घटाया 76.5, 5 9 में से 6 गया 3 और 15 में से 7 गया 8, यानी कि 283 सही, दो बट एक बटा दो, ये कोण हो जाएगा भाई छोटा कोण 76 सही 1/2 डिग्री और बड़ा कोण 283 सही 1/2 डिग्री। ठीक है भाई, ठीक है भाई दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी करेंगे हम कल। इससे पहले कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे क्या होगा कि आपको हर रोज़ाना अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी देखने के लिए। थैंक यू।